उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ प्रयागराज के नेतृत्व में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ यूनानी मेडिकल कॉलेज का शपथ ग्रहण समारोह एवं विदाई समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रो. शून्य अनवार अहमद कुरैशी प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अतिथि डा. शून्य अरशद काफी एवं अध्यक्षता राज्य कर्मचारी महासंघ के मंडल अध्यक्ष प्रांतीय उपाध्यक्ष अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष पूरन सिंह यादव, मंत्री लालचंद्र मौर्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन कनौजिया, उपाध्यक्ष तारिक अब्दुल्ला एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को मुख्य अतिथि एवं मंडल अध्यक्ष के द्वारा माल्यार्पण करते हुए पद एवं शपथ दिलाया गया। इस कार्यक्रम के संचालन राम मनोहर जिला अध्यक्ष, प्रांतीय उपाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी, मंडल मंत्री रामचंद्र, मंडल अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी गोपाल यादव, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप कुमार, मंडल उपाध्यक्ष इमरान अहमद, सुरेश कुमार, अक्षय कुमार, गौतम बे, अनिल कुमार, विकास भारतीय, महेंद्र कुमार, अमृतलाल, राशिद खान, प्रखर आदि कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। सर, ये शपथ दिलाई गई है, किस लिए दिलाई गई है, क्या है पूरा मामला? ये राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा संबोधित करते हुए एक शपथ ग्रहण समारोह, चूँकि 8 से 9 महीने पहले चुनाव हुआ था, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा रहा कि चुनाव की शपथ ग्रहण चलता चला गया। आज शपथ ग्रहण समारोह भी हो रहा है और इसी के साथ इसी लालचंद जी के विदाई समारोह भी है। जैसा कि अभी हमारे माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी ने बताया कि आप यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद फिर ये वापस आज प्रधानाचार्य भी हैं, डीन भी हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों के संघ में भी रहते हुए आज इस पद से है, आज यहाँ बहुत गरिमामान विषय है। ये हम लोगों के लिए खुशी का विषय है कि निश्चित रूप से अपने कर्मचारियों का पूरा ध्यान देंगे और भविष्य में कोई भी कर्मचारियों की ऐसी समस्या होती है जिस पे हमारे प्रिंसिपल साहब से मेरी यही आशाएं हैं कि आप सारे कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए, सारे पदाधिकारियों का ध्यान रखते हुए इनकी समस्याओं का निस्तार करें। निश्चित रूप से पद को संभालना, पद ग्रहण करना एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये जो माला पिरोई जाती है बहुत ही कीमती होती है। इस माले का अर्थ कांटों का माला है। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि कांटों का ताज आप ओढ़ लिए, लेकिन कर्मचारी हित में आप कितना काम करेंगे, कितना कायदे से करेंगे, ये हमारे प्रिंसिपल साहब निश्चित रूप से सहयोग देंगे और ये पद ग्रहण करने वाले कर्मचारी, पदाधिकारी सारे लोग आपका सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद से आज शपथ समारोह यहाँ संपन्न। परिचय बता दीजिए। अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, प्रांतीय उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष। जी सर, ये शपथ दिलाई गई है, क्या है, किस लिए दिलाई गई? देखिए, ये हमारे वहाँ बच्चों के लिए क्लास 4 की एक वो संघ है, उसी का हर साल चुनाव होता है और उस चुनाव उनके बाईलास के अतबार से चुनाव होते हैं। उस चुनाव के बाद ये पदाधिकारी चुनते हैं और पदाधिकारी इनके उसी अतबार से अपना कार्य करते हैं। आज रिटायरमेंट भी किसी का है? आज हमारे वहाँ इत्तेफाक बाद ऐसा है कि मैं 1983 का यहाँ का स्टूडेंट था और उसी ज़माने के ये लोग हैं जिसमें लाल जी हमारे हैं जो 84 में हैं, उनका आज रिटायरमेंट है। तो हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस ज़माने के थे, मेरे ख्याल में ये आखिरी कड़ी हैं हम लोगों के वक्त स्टूडेंट लाइफ की, ये आखिरी शायद कड़ी हैं। उसके बाद जब बाद में सब इंटरव्यू हुआ। परिचय बता दीजिए सर पूरा। मुझे प्रोफेसर अनवार अहमद कुरैशी कहते हैं। मैं 1983 का यहाँ का स्टूडेंट था। हमारी स्टूडेंट यूनियन जब थी तो उस वक्त भी मैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद फिर मैं नागपुर चला गया, 14 साल वहाँ था, वहाँ भी प्रिंसिपल था, फिर जलगांव गया। फिर उसके बाद 2013 में मैं यहाँ आया अपने कॉलेज में और यहाँ का प्रोफेसर था। 4 साल तक मैंने प्रिंसिपलशिप की और फिर ये मुझे फिर प्रिंसिपलशिप मिली। जी बताएं, आज शपथ दिलाई गई है, किस लिए दिलाई गई है, क्या है पूरा मामला? ये जो है, मैं इकाई शाखा यूनानी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी का अध्यक्ष हूँ और कुछ दिन पहले जो है यहाँ
जनवरी महीने इलेक्शन हुआ था, कुछ समय के कमी की वजह से नहीं शपथ ग्रहण समारोह टल गया था, जिससे आज शपथ ग्रहण समारोह शांतिपूर्व संपन्न हुआ प्रधानाचार्य महोदय के समक्ष। मैं अध्यक्ष के हैसियत से यहाँ के सारे कर्मचारियों और अधिकारियों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जो इस सभा में उपस्थित होके और हमारे इस कार्य को सफल बनाने का कार्य किए हैं। मैं उन सभी अधिकारी व कर्मचारी को सम्मान के साथ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और मैं संघ के सारे पदाधिकारियों से यही कहूँगा, जो आप लोग शपथ लिए हो उस शपथ को गरिमा बनाए रखना, तभी हमारी अधिकारी और कर्मचारी के तालमेल अच्छे से बनते रहेंगे और सारे काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। धन्यवाद। पर्चा बता दीजिए। मैं पूरन सिंह यादव, राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज, कर्मचारी संघ अध्यक्ष।